प्रकृति अगली खबर का, केंद्र सरकार ने 6 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है, जिनमें 3 सरकारी और 3 निजी संस्थान शामिल हैं। और आपको बता दें कि निजी संस्थानों में रिलायंस फाउंडेशन के जियो इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया गया है, जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नामों की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार कैसे एक संस्थान को अस्तित्व में आने से पहले ही उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दे सकती है। हालांकि सरकार ने अपने इस फैसले का बचाव किया है और मंत्रालय समेत यूजीसी ने भी इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है। वहीं मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर छिड़ी लड़ाई को लेकर कहा कि इस संस्थान को ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अधीन शामिल किया गया है और एक ऐसी कैटेगरी होती है ये, जिसमें उन संस्थानों को शामिल किया जाता है जो अभी अस्तित्व में नहीं है और जल्द ही बनने जा रहे हैं। कि ये तो शायद दुनिया का पहला ये रिकॉर्ड है कि एक इंस्टीट्यूट का न बिल्डिंग है, न फैकल्टी है, न कोई स्टूडेंट है, लेकिन उससे पहले केवल नाम के आधार पर, ओनर मालिक के नाम रिलायंस के आधार पर उनको एमिनेंस स्टेटस ही दिया गया है। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पूरा ये एमिनेंस स्टेटस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, इस पर आप स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि आप ISI का मार्का लगा कर कहेंगे यही असली है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग मापदंड होते हैं, उसके आधार पर लोग तय करते हैं। लेकिन ये केवल कुछ इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ही मैं समझती हूँ गलत है, और जियो इंस्टीट्यूट का एमिनेंस स्टेटस देना उसकी वो सबूत।